स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द फिल्मी तड़का पर। तो दोस्तों आज हम एक बार फिर से लेकर आ चुके हैं साउथ के टॉप 8 बेस्ट सस्पेंस मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर एक्टिविटी बेस्ड मूवी, जिनकी स्टोरी लाइन में आपको एक यूनिक कॉन्सेप्ट वाली मूवी देखने को मिलने वाली। और साथ ही साथ यह सभी मूवीज आपको सस्पेंस की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देगी। और आज के वीडियो की सबसे अच्छी बात यह है कि आज हम आपको जितनी ही मूवीज के बारे में बताएंगे उन सभी मूवीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, तो एक बार जाकर चेक जरूर करें। तो अब आगे वीडियो में बढ़ने से पहले दोस्तों हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसे ही लगातार वीडियोस का अपडेट पाते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। कैप्टन मिलर, तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो नंबर 8 की प्लेस पे जो मूवी आती है वह 2024 की रिलीज एक बहुत ही बेहतरीन एक्शन एडवेंचर एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का नाम है कैप्टन मिलर और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.7 है आउट ऑफ 10, जो ठीक ठाक रेटिंग मानी जाती है। यह एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी में भी सेम नाम से रिलीज किया गया। बात करें फिल्म की कहानी की तो इसमें हमें कैप्टन मिलर के बारे में दिखाया गया जो अपने भाई द्वारा मना करने पर भी इंडियन ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन कर लेता। हालांकि फिल्म की कहानी में ट्विस्ट आता है जब ब्रिटिशर कैप्टन मिलर को इंडियन को मारने का ऑर्डर देते हैं तो कैप्टन मिलर एक ब्रिटिश ऑफिसर कुमार के भाग जाता। अब आगे मूवी में देखना ही होता है कि आखिर कैप्टन मिलर इंडियन ब्रिटिश आर्मी को क्यों ज्वाइन करता है और इवन उसका भाई उसे आर्मी ज्वाइन करने से क्यों मना करता है। यह सब चीज जानने के लिए आप एक बार फिल्म को ट्राई जरूर करें। सच में दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफी बेहतरीन होने वाली है, जिसे मैंने अभी यहाँ पे ठीक से एक्सप्लेन कर दिया तो यह आपके लिए बहुत ही बड़ा स्पॉइलर हो जाने वाला। और साथ ही साथ दोस्तों इस मूवी का स्क्रीन प्ले और BGM आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलने वाला है, जो आपको एक अलग ही लेवल का गूज़बम्प्स देने वाली है। और अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार जाकर चेक जरूर करें। बात मत करो मुझसे, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। दोस्तों हमारी नंबर 7 की प्लेस पे जो मूवी आती है वह 2023 की रिलीज एक बेस्ट सस्पेंस ड्रामा थ्रिलर एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का नाम है नीरू और इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.9 है आउट ऑफ 10, जो एक अच्छी रेटिंग मानी जाती है। यह एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी में भी सेम नाम से रिलीज किया गया है। फिल्म की कहानी में हमें सारा नाम की एक अंधी लड़की के बारे में दिखाया गया है जिसका कुछ लोग बलात्कार कर देते हैं जिस कारण वह मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। हालांकि फिल्म की कहानी में मोड़ आता है जब सारा पुलिस वालों के पास अपने ऊपर हुए अत्याचार के लिए इंसाफ मांगने जाती है तो वह और भी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती है। अब आगे मूवी में देखना यह होता है कि क्या सारा को इंसाफ मिलता है या नहीं, और इवन जब सारा पुलिस वालों के पास जाती है तो उसे किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह सब चीज जानने के लिए आप एक बार को ट्राई जरूर करें। देखा है तो दोस्तों फिल्म की कहानी काफी दमदार होने वाली है, जिसमें आपको एक के बाद एक कई सारे ट्विस्टेड टर्न देखने को मिल जाते हैं जो इस मूवी को और भी बढ़िया बनाती है। और अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको यूट्यूब पे हिंदी में देखने को मिल जाएगी और इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाकर चेक जरूर करें। राजा ने अपनी होने वाली पत्नी एनाबेल के लिए बड़े प्यार से इस महल को बनवाया। तो दोस्तों नंबर 6 की प्लेस में हमारी जो मूवी आती है वह साल 2021 की रिलीज एक खतरनाक हॉरर कॉमेडी एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का नाम है एनाबेला सेतुपति और इस मूवी की IMDb रेटिंग 3.7 है आउट ऑफ 10। एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी में भी सेम नाम से रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी में हमें रुद्र नाम के एक छोटे मोटे चोर के बारे में दिखाया गया जो एक बहुत ही पुराने महल में गलत इरादे से जाता है। हालांकि फिल्म की कहानी में ट्विस्ट आता है जब रुद्र को पता चलता है कि जिस महल में वह गया है वहाँ पे बहुत सारी आत्माएं हैं, तो वह उन्हीं आत्माओं के बीच फंस जाता है और उसे उस महल के कई सारे राज के बारे में भी पता चलता है, जिसे जान के वह पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। अब आगे मूवी में देखना ही होता है कि आखिर रुद्र उस पुराने महल में किस इरादे से जाता है और इवन क्या वह अपने आप को उन आत्माओं से बचा पाता है नहीं, या जानने के लिए आप एक बार इसमें ट्राई जरूर करें। अगर दोस्तों इस मूवी के बारे में डिटेल में बात करें तो यह मूवी आपको स्टार्टिंग में थोड़ी डरावनी देखने को मिलने वाली है, लेकिन जैसे जैसे यह मूवी अपने सेकंड हाफ में पहुंचती है थोड़ी कॉमेडी बेस्ड हो जाने वाली। और अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो इस मूवी का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाके चेक जरूर करें। बड़े राक्षस को मारने के लिए भगवान को जन्म लेना पड़ता है। हमारी आज की वीडियो नंबर 5 के प्लेस पे जो मूवी आती है वह 2023 की रिलीज एक बेस्ट एक्शन ड्रामा एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का नाम है मामा मशेंद्रा और इस मूवी की IMDb रेटिंग 5 है आउट ऑफ 10, जो ठीक ठाक रेटिंग मानी जाती है। यह एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी में भी सेम नाम से रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी में हमें परशुराम नाम के एक आदमी के बारे में दिखाया गया जो अपने पिता के मौत के इल्जाम के कारण जेल चला जाता है। हालांकि फिल्म की कहानी में ट्विस्ट आता है जब परशुराम जेल से वापस आके अपनी सारी संपत्ति को देखने जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी सारी संपत्ति उसके चाचा ने अपने नाम करा ली है। अब आगे मूवी में देखना चाहो तो आखिर परशुराम अपने पिता के मौत के इल्जाम के कारण जेल क्यों जाता है और इवन क्या आप अपने चाचा से अपनी सारी संपत्ति ले पाते हैं नहीं, या जानने के लिए आप एक बार इसको ट्राई जरूर करें। हालांकि दोस्तों इस मूवी आपको एक के बाद एक के सारे ट्विस्टेड टर्न देखने को मिल जाएंगे जो आपके दिमाग को पूरी तरीके से घुमा के रख देने वाली है। और तो दोस्तों इस मूवी का स्क्रीन प्ले और BGM भी काफी बेहतरीन देखने को मिलने वाला है, तो अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको यूट्यूब पे हिंदी में देखने को मिल जाएगी और इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार जाकर चेक जरूर करें। मुझे डर लग रहा है,
क्या इससे पहले कभी आपको ऐसी नेगेटिव फीलिंग आई है? तो अब हमारी वीडियो नंबर 4 की प्लेस पे जो मूवी आती है 2023 की रिलीज एक बेस्ट हॉरर ड्रामा एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जी हां दोस्तों, इस मूवी का नाम है इको और इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.7 है आउट ऑफ 10, जो ठीक ठाक रेटिंग मानी जाती है। यह एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी में भी सेम नाम से रिलीज किया गया। बात करें फिल्म की कहानी की तो इसमें प्रकाश नाम के एक आदमी के बारे में दिखाया गया जिसकी शादीशुदा जिंदगी तब बर्बाद होने लगती है जब उसके लाइफ में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है। हालांकि वह काला जादू करने वाले आदमी से मदद मांगता है, लेकिन फिल्म की कहानी में ट्विस्ट आता है जब प्रकाश और उसके फैमिली को उस आत्मा के बारे में पता चलता है तो उनकी पूरी जिंदगी उथल पुथल हो जाती है। अब आगे मूवी में देखना ही होता है कि वह आत्मा कौन होती है जो प्रकाश को परेशान करती है, और क्या प्रकाश अपनी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद होने से बचा पाता है नहीं। यह सब चीज जानने के लिए आप एक बार उसको ट्राई जरूर करें। अगर दोस्तों आपको सस्पेंस और हॉरर से भरपूर मूवी देखना बहुत ज्यादा पसंद है तो यह मूवी आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होने वाली है। और अगर आपने अभी तक इस मूवी को मिस किया है तो आपने एक बहुत ही बेहतरीन मूवी को मिस किया है। और अगर आप यह मूवी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको यूट्यूब पे हिंदी में देखने को मिल जाएगी और इस मूवी का लिंक आपको वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाकर चेक जरूर करें। दोस्तों हमारी आज की वीडियो नंबर 3 की प्लेस पे जो मूवी आती है 2023 की रिलीज एक एक्शन क्राइम थ्रिलर एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जी हां दोस्तों, इस मूवी का नाम है महावीरन और इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.4 है आउट ऑफ 10, जो अच्छी रेटिंग मानी जाती है। एक तमिल लैंग्वेज की मूवी जिसे हिंदी में भी सेम नाम से रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी हमें कॉमिक बुक बनाने वाले लड़के के बारे में दिखाया गया जिसका एक दिन बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि एक्सीडेंट के बाद उस लड़के को अपने बनाए हुए कॉमिक कैरेक्टर की आवाज सुनाई देने लगती है, लेकिन फिल्म की कहानी में ट्विस्ट आता है जब वह लड़का अपने कॉमिक कैरेक्टर की आवाज की हेल्प से उन गुंडों से लड़ने लगता है जो गरीबों को परेशान करते हैं। अब आगे मूवी में देखना है तो आकर उस लड़के को अपने कॉमिक कैरेक्टर की आवाज कैसे सुनाई देने लगती है और इवन क्या वह उन गुंडों से जीत पाता है नहीं, ये सब चीज जानने के लिए आप एक बार इसको ट्राई जरूर करें। दोस्तों अगर आपको यूनिक और न्यू कॉन्सेप्ट वाली मूवी देखना काफी पसंद है तो इस मूवी को आप किसी भी हाल में मिस ना करें। और दोस्तों इस मूवी का सस्पेंस और क्लाइमेक्स सीन आपको अपने साथ पूरी तरीके से एंगेज करके रख देने वाला, जो आपको अलग ही लेवल का मजा देने वाली। और अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको यूट्यूब पे हिंदी देखने को मिल जाएगी और इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाकर चेक जरूर करें। गाइस हमारी आज की काउंटडाउन है नंबर 2 की प्लेस पे जो मूवी आती है 2021 की रिलीज एक बहुत ही बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जी हां दोस्तों, इस मूवी का नाम है पावर प्ले और इस मूवी की IMDb रेटिंग 7 है आउट ऑफ 10, जो अच्छी रेटिंग मानी जाती है। एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी में भी सेम नाम से रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी में विजय नाम के एक लड़के के बारे में दिखाया गया जो कीर्ता नाम की एक लड़की से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और वह अपने फैमिली को कीर्ता से शादी करने के लिए मना लेता है, लेकिन फिल्म की कहानी में ट्विस्ट आता है जब विजय के ऊपर क्रिमिनल रैकेट का हिस्सा होने का आरोप लगता है तो उसकी शादी और भविष्य दोनों बर्बाद हो जाते हैं। अब आगे मूवी में देखना यह होता है कि क्या विजय सच में उस क्रिमिनल रैकेट का हिस्सा होता है नहीं, अगर नहीं होता तो अपने आप को इस आरोप से कैसे मुक्त कराते हैं। सब चीज जानने के लिए आप एक बार इसको ट्राई जरूर करें। देखा तो दोस्तों यह मूवी जितनी सिंपल और नॉर्मल देखने में लग रही है उतनी बेहतरीन और खतरनाक होने वाली है। और तो दोस्तों इस मूवी का थ्रिल और सस्पेंस सीन आपको अलग ही लेवल का वाइब और गूज़बम्प्स देने वाली है, तो इस मूवी को किसी भी हाल में मिस ना करें। और अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको यूट्यूब पे हिंदी में देखने को मिल जाएगी और इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाकर चेक जरूर करें। मैम, यशना, मिस यशना, क्या मैं अपनी बेटी से प्राइवेटली बात कर सकता हूँ? प्लीज गो अहेड। दोस्तों अब हमारी आज की वीडियो नंबर 1 की प्लेस पे जो मूवी आती है 2024 की रिलीज एक बेस्ट रोमांस ड्रामा एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जी हां दोस्तों, इस मूवी का नाम है हाय नाना और इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.2 है आउट ऑफ 10, जो बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मानी जाती है। यह एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी में हाय पापा के नाम से रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी में विराज नाम के एक आदमी के बारे में दिखाया गया जो अपनी 6 साल की बच्ची के साथ अकेले रहता और उसकी देखभाल करता है। हालांकि तभी विराज की लाइफ में एक लड़की की एंट्री होती है, लेकिन फिल्म की कहानी में ट्विस्ट आता है जब विराज की 6 साल की बच्ची को फेफड़ों में खतरा पैदा करने वाली बीमारी से जूझना पड़ता है। अब आगे मूवी में देखना ही होता है क्या विराज की बच्ची की बीमारी ठीक हो पाती है नहीं, और इवन उस लड़की का क्या होता है जो विराज की लाइफ में एंट्री लेती है। सब चीज जानने के लिए आप एक बार से ट्राई जरूर करें। देखा तो दोस्तों फिल्म की कहानी काफी बेहतरीन होने वाली है, जो आपको कई जगह पे इमोशनल करके रख देने वाली, और साथ ही साथ ये मूवी बहुत ज्यादा एंगेजिंग भी होने वाली, जो आपको एक बार नहीं बल्कि कई बार ये मूवी देखने में मजबूर करती है। और अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार जाकर चेक जरूर करें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की साउथ की टॉप 8 बेस्ट सस्पेंस मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर एक्टिविटी बेस्ड मूवी, जिनकी स्टोरी लाइन में आपको एक यूनिक कॉन्सेप्ट वाली मूवी देखने को मिलने वाली। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।